एक युवा अपने इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और उसका पूरा परिवार झारखंड के मुख्यमंत्री, अपने क्षेत्र के शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के पोपलो गांव में ससुराल में रहकर इलाज करा रहे अजय ने सरकार से मदद नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अजय की माने तो उसके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। उसके इलाज और दवा के आने वाले खर्चे को देखकर सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा। उसके परिवार में 10 लोग हैं। कमाने वाला वह सिर्फ इकलौता सदस्य है और वह बहुत ही गरीब परिवार में आता है। उसके इलाज में उसके परिवार वाले आस पड़ोस के लोगों से कर्ज ले रहे हैं। उसके जो भी जमीन जायदाद है उसे बेचकर इलाज करा रहे हैं। उसके इलाज में काफी खर्च हो रहा, उसे ठीक होने में काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास नहीं है। उसके 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसके 1 शादी करने लायक बहन है। उन सारे लोगों के भविष्य को देख काफी चिंतित है। वह यह सोच रहा है कि घर जमीन उसके इलाज में ही बिक जाएंगे और खर्च हो जाएंगे तो उसका पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, उसके बाद उसके पूरे परिवार का क्या होगा। इसलिए वह सरकार से अपने लिए इच्छा मृत्यु का मांग कर रहा है। वहीं इलाज के बोझ से दबे पूरे परिवार अजय को बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। उसके पत्नी और साला ने झारखंड सरकार के मुखिया, स्वास्थ्य मंत्री और अपने क्षेत्र के विधायक एवं सरकार के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाया है। उनके पति के इलाज सरकार करा दे ताकि उसका परिवार फिर से खुशहाल हो सके। अजय की पत्नी की माने तो 3 महीने से यह बेड पर है। डॉक्टर ने बताया कि इनके दोनों किडनी खराब हो चुका है और डायलिसिस पर है। इनको जिंदा रखना है तो डायलिसिस करना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसमें बड़े रकम के खर्चे होंगे। घर के ही एक सदस्य अपना किडनी देने को तैयार है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वह किडनी ट्रांसप्लांट करा पाए। वह लोग बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनकी 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक शादी के लायक ननद है। झारखंड सरकार थोड़ी सी हमारी मदद कर दे तो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट में जो खर्च गिरेगा उसे निर्वहन कर दे तो झारखंड सरकार का हमारा पूरा परिवार जिंदगी भर एहसानमंद रहेगा। हमारे परिवार में इनसे खुशियां लौट आएगी और हमारे परिवार खुशहाल होगा। वहीं पूरा परिवार इलाज कराने को लेकर कई लोगों के दरवाजों पर मिन्नतें मांग रहे हैं। कोई अपने सुहाग की रक्षा और लंबी उम्र के लिए मंदिरों पर माथा टेक रहे हैं तो साला अपने जीजा के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए उसके साथ साथ अपने क्षेत्र के विधायक एवं सरकार में शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर मिन्नतें मांग रहा है। साला मनोज की माने तो उसके जीजा को लेकर वह काफी चिंता में है कि उसके बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह अपने बहन समेत जीजा के पूरे परिवार को अपने घर लाकर इलाज कराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है लेकिन वह भी गरीबी के चादर में लिपटा होने के कारण वह दवा, इलाज और किडनी ट्रांसप्लांट में जो खर्च गिर रहे हैं उसे निर्वाह करने में गरीबी उसकी बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। मुझे सरकार से इच्छा मृत्यु चाहिए और मेरा दोनों किडनी फेल है और हम डायलिसिस में हैं। मेरे परिवार जो भी पैसा कौड़ी है बहुत सारा खर्चा हो चुका है, गाड़ी या जेवर वेवर सब सारा चीज़ मेरा मतलब सब इस बात का मेरा इलाज करवा रहा है। यही हम सरकार से चाहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु हो। डॉक्टर से चेक करवाए तब पता चला, 2 महीना के बाद पता चला। 2 महीना में जब दिखाने लगे तो कोई बोलता है कि ऐसे खराब है, कोई बोलता है लीवर खराब है, कोई बोलता है पेट खराब है। ऐसे मेरा 2 महीना चला। फिर कैमोरियम जाके एडमिट हुए, मेरे सांस का प्रॉब्लम जब होने लगा, पेट उट फूल गया, तब बोला कि नहीं आपको डायलिसिस से जरूरत है। और अभी जाके हम रांची से दिखाए, रांची से भी बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर हम बीजेएस का डॉक्टर पकड़े मुक्तेश्वर रजक से, उससे मेरा इलाज चल रहा है। तो क्या क्या बताए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताए कि दोनों किडनी आपका बैठा हुआ। तो अब क्या चाहते हैं सर? सरकार से चाहते हैं कि तुम लोग हेल्प हो जाए। हमारे जो मंत्री जी हैं गाँव के हैं, किस तरह का हेल्प चाहते हैं? सरकार से निवेदन है कि सर मेरा जो जो ट्रीटमेंट जो हो जाए सर, बस वही काफी। आपके घर में और कौन कौन? एक माँ है, बाप है, बूढ़ी माँ है।
सरकार से चाहता है कि थोड़ा इलाज उलाज भी हो जाए, और हमारे जो मंत्री जी हैं जगन्नाथ माथुर, उससे निवेदन है कि हम तो 10 गो फैमिली हम लोग हैं और 10 गो से हम ही कमाने वाले हैं। उससे मेरे 4 गो बाल बच्चा है, बूढ़ा माँ बाप है, एक बहन है। सब आप लोग से रिक्वेस्ट है सरकार से मेरा इलाज। जब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा तब हम बोले नहीं अब हमको हेल्प चाहिए। काफी गरीब परिवार से हैं। जी सर, बहुत गरीब परिवार से, कमाने वाला हम ही है। जुआ सर मैं, यदि हमको कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार सर। तो क्या हुआ है इनको? इनका दोनों किडनी डैमेज हो गया और पता ऐसे चला कि इनका खाना खाते उल्टी हो रहा था, बीपी बढ़ गया था। उसके बाद हम हॉस्पिटल भर्ती भी करवाएं तो केमा वाले जो है ना वहाँ गए तो बोला कि दोनों से किडनी फेल डायलिसिस करवाइए। फिर वहाँ नहीं करवाए, फिर चल गए हम लोग आपके BGH। वहाँ गए तो वहाँ पैसा कमी कर, वहाँ भर्ती भी नहीं कर पाए हम लोग इसको। फिर चल गए आपका ये कोऑपरेटिव जो है ना, कौन हॉस्पिटल है, RNB, वहाँ दिखलाएं तो भेज दिया आपको बोकारो थी रांची मेडिका। अब वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल कहाँ से कर पाएंगे गरीब आदमी, उतना पैसे इसके पास नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से कि उसके माध्यम से दोनों के इलाज हो जाए बढ़िया से। हमारे गांव का क्षेत्र का जो मंत्री जी हैं जगन्नाथ, तो उसके पास गए, वो बोले ठीक है। वो बोले कि फ़ोन कर दिया आपका जो है ना जिला का जो ऐसे क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग का CS, वहाँ वहाँ भेज दिए। तो ऐसे कैसे जाएंगे वहाँ बताइए, खाली फ़ोन कर दें वहाँ जाइए तो हम अचानक वहाँ जाए क्या बोलेंगे बताइए। फिर बोले वहाँ चल जाओ मेडिका, वहाँ तो पैसा लगेगा ना भर्ती करने के लिए, ऐसा नहीं छोटा हॉस्पिटल है। तो सरकार से चाहते हैं कि ऐसा कुछ हेल्प हो जाए दोनों के लिए, सब मैंने लग जाए। 4 गो बाल बच्चा है, बीवी है, 2 माँ है, ये चाहते हैं। मैंने कि कुल कितने परिवार में लोग हैं? ये लोग देखिए 4 गो बच्चा है, बीवी है, माँ बाप है, एक छोटी बहन भी है, अभी शादी लायक हो गया है और कमाने वाला अकेले है। गाड़ी 2 गाड़ी अभी बेच दिया, जितना सा संभव हुआ खर्चा किया। अब यहाँ लाख लाख का बात हो गया, जो 1000 तो खर्चा कर लिया, अब यहाँ 15-20 लाख का बात है, कहाँ कर पाएंगे छोटा पटा गरीब परिवार से। तो क्या निवेदन करना चाहते हैं? नहीं करते सरकार से कि बोल इसका इलाज करवा दे किसी तरह। बहुत बड़ा आभार रहेंगे हम लोग पूरा परिवार की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज तुरी नाम। इसको अच्छी कर दीजिए, मेरा साथ देने खोज रहा है किडनी, तो हेल्प के हो जाएगा तो बढ़िया है। डॉक्टर बाहर इलाज कराने के लिए बोले, तो क्या आप इलाज कराने के लिए? इलाज करना है तो पैसा नहीं है, पैसा कहाँ पाएंगे, जितना था सब खर्चा हो गया, सब जगह जमीन सब बेच दिए, गाड़ी भी बेच दिए, इलाज करवाए हैं। तो इलाज कराने नहीं सक रहे? नहीं सक रहे। तो सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि इसको कुछ हेल्प कर दीजिए, अथी कर दीजिए मंत्री से। नहीं करेगा तो इसी तरह रहेगा तो हम लोग रोड में आ जाएंगे, मेरे 4 गो बच्चा है, कहाँ जाएंगे मांगने के लिए। ये बीमारी कैसे हो गया, कितनी फेल कैसे हो गया? शराब वराब पीते थे क्या? नहीं, शराब दारू कुछ नहीं पीता था, अचानक ऐसा हो गया। 3 महीने इसको खाना नहीं घुस रहा था, खाना खा भी खा रहा था तो उल्टी हो जा रहा था। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कैसे उल्टी हो रहा था इसको। जब डॉक्टर से दिखाए तब पता चला कि इसको दोनों किडनी खराब हो गया है। अब क्या आप चाहते हैं? हम वही चाहते हैं कि इसको अच्छी अच्छी से हेल्प हो जाए, हेल्प हो जाएगा तो बढ़िया है, मेरा पति ठीक हो जाएगा। कोई किडनी देने को तैयार है? हाँ, मेरा साथ देने को तैयार है। तो क्या आप सक्षम नहीं है? है कैसे नहीं? आप सक्षम है इलाज कराने में सक्षम है? हाँ, मैं कहाँ पाएंगे पैसा, इतना है ही नहीं मेरे पास। मंत्री से सर कहते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए, मदद करेगा तो। आपके क्षेत्र में के रहने वाले हैं जगन्नाथ महतो जी, क्या मंत्री जी को आपने ये बात बताई? आप जाके उनके पास गए थे ये बात के लिए? हम तो भैया सब गया था, हम कैसे जाएंगे? छोटा बच्चा लेके भैया गया था, भैया बोला कि हम लोग हमको जाने दो, बात करके आने दो, तब लेके जाएंगे। तो मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी बोला कि हाँ करेंगे, मगर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। डॉक्टर आए थे जांच करने के लिए?
हाँ डॉक्टर से जांच की। यहाँ आए थे झारखंड सरकार के डॉक्टर आए थे? नहीं आया डॉक्टर, यहाँ नहीं डॉक्टर। डॉक्टर से चेक करवाए तब पता चला, 2 महीना के बाद पता चला। 2 महीना में जब दिखाने लगे तो कोई बोलता है कि ऐसे खराब है, कोई बोलता है लीवर खराब है, कोई बोलता है पेट खराब है। ऐसे मेरा 2 महीना चला। फिर कैमोरियम जाके एडमिट हुए, मेरे सांस का प्रॉब्लम जब होने लगा, पेट उट फूल गया, तब बोला कि नहीं आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। और अभी जाके हम रांची से दिखाए, रांची से भी बोला कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर हम बीजेएस का डॉक्टर पकड़े मुक्तेश्वर रजक से, उससे मेरा इलाज चल रहा है। तो क्या क्या बताए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताए कि दोनों किडनी आपका बैठा हुआ। तो अब क्या चाहते हैं सर? सरकार से चाहते हैं कि तुम लोग हेल्प हो जाए। हमारे जो मंत्री जी हैं गांव के हैं, किस तरह का हेल्प चाहते हैं? सर सरकार से निवेदन है कि सर मेरा जो जो ट्रीटमेंट जो हो जाए सर, बस वही काफी। आपके घर में और कौन कौन? देखो माँ है, बाप है, बूढ़ी माँ है। सरकार से चाहता है कि थोड़ा मेरा इलाज उलाज भी हो जाए। और हमारे जो मंत्री जी हैं जगन्नाथ माथुर, उससे निवेदन है कि सर हम तो 10 गो फैमिली हम लोग हैं और 10 गो से हम भी हम कमाने वाले हैं। उससे मेरा 4 गो बाल बच्चा है, बूढ़ा माँ बाप है, एक बहन है। सर आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारी सरकार से मेरा इलाज। क्या जब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा तब हम बोले नहीं हेल्प चाहिए। काफी गरीब परिवार से? जी सर बहुत गरीब परिवार से, कमाने वाला हम ही है। जो है सर मैं, यदि हमको कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार चलता है।